देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। हर चेहरा गणतंत्र दिवस को लेकर खुश है, हर आंख में गर्व है। ये देश के संविधान को मनाने का दिन है, ये हर भारतीय को गर्व से भारतीय कहने का दिन है। इस खास दिन पर हम आपको बताते हैं कि आखिर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या खास है। दरअसल भारत के संविधान की प्रस्तावना में देश को सशक्त, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी समेत अन्य अधिकारों की बात की गई है। ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्मत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जाना, अब भारतीय संविधान की कुछ खासियत के बारे में बताते हैं। दरअसल भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है, इसे टाइपिंग या प्रिंट नहीं किया गया है। मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी में अंग्रेजी में लिखी गई मूल प्रति की फोटोकॉपी है। संविधान के हर पेज को पेन होल्डर निब से इटैलिक अक्षर में लिखा गया है।